हेलो दोस्तों, आपका बच्चा अगर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है और आपको स्कूल की तरफ से फीस भरने के लिए बोला जाता है, तो आप ऑनलाइन कैसे केंद्रीय विद्यालय का फीस भर सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक, हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रणव और स्वागत है आपको डीजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले हम उसी केंद्रीय विद्यालय का वेबसाइट में चला जाएंगे जिस केंद्रीय विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ा होंगे, और दिखाते हैं मैं एक केंद्रीय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके कैसे फी पेड करते हैं। अभी आप देख सकते हैं हम अपना लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया है और यहाँ पे गूगल ओपन करके रखा हुआ है। तो गूगल में हम वही वेबसाइट सर्च करेंगे जो केंद्रीय विद्यालय का फीस भरना है। जैसे मेरे को एक बिहार में केंद्रीय विद्यालय है बितिया, तो बितिया केंद्रीय विद्यालय का वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अभी सर्च करूंगा केंद्रीय विद्यालय बितिया, और देखिए ये केंद्रीय विद्यालय बितिया रखा है, तो उसे सर्च कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला सर्च रिजल्ट जो है ना bitia.kvs.ac.in, ये वाला उनका वेबसाइट है। तो फर्स्ट सर्च रिजल्ट में हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही फर्स्ट सर्च रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया पेज खोल गया है। ये होम पेज है उनका। एक ऑप्शन आपको पहला पेज में मिलेगा ऑनलाइन फी, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर एक टॉप अप मैसेज आपके सामने खोला गया है, यहाँ पे यही बता रहा है आपको जैसे ओके में क्लिक करेंगे एक दूसरा पेज में लेके जाया जाएगा जहाँ पे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो वो आपको दूसरा पेज में, दूसरा वेबसाइट में रिडायरेक्ट करेगा। जैसे ओके में क्लिक करेंगे ये दूसरा पेज में आ गया, हम एक नया वेबसाइट में आ गया। तो यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो पेमेंट गेटवे है वहाँ पे आ रखा है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा क्लिक हियर टू कि क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे ये ऑनलाइन पेमेंट पेज में हमारे को रिडायरेक्ट करेगा। और आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा पेज को, यहाँ पे देख सकते हैं मेक पेमेंट ऑप्शन दिखाई दे देगा जहाँ पे आपको आपका स्टूडेंट आईडी वगैरह डालना होता है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आईडी डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा स्टूडेंट का, और कैप्सा कोड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो डालना पड़ेगा। फिर लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो हम अभी ये चीज यहाँ पे भर लेता है। अभी आप देख सकते हैं सारे के सारा डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर चुका हूँ, और अभी लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ एक नया पेज हमारे सामने खोल गया जहाँ पे वेलकम कनक कुमारी, मतलब जिसका फीज में भरने जा रहा हूँ उस बच्चे का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उनका डेट ऑफ बर्थ, जो यूनिक कोड है, स्टूडेंट आईडी है, ये सब चीजें दिखाई दे रहा है। थोड़ा नीचे आ जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मेक पेमेंट, इस ऑप्शन के ऊपर हमारे को क्लिक करना होगा। अभी क्लिक कर देते हैं इसके ऊपर। जैसे ही मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक किया हमारे को हमारा जो पेमेंट डिटेल्स है यहाँ पे दिखाई दिया था, स्टूडेंट आईडी क्या है और कौन सा क्लास में पढ़ रहा है, उनका नाम क्या है, और कौन सा ईयर के लिए, क्वार्टर कौन सा क्वार्टर के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, कितना फीस, किस चीज के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं 3,025 रुपया में यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि दो क्वार्टर का पैसा हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इसमें मोबाइल नंबर डालना होगा जो पेमेंट कर रहा है उनका मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी भी देना होगा ताकि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में इसका मैसेज और जो रिसिप्ट है वो पहुंच जाए। तो अभी हम ये चीज भर लेते हैं। अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हम भर चुका हूँ। फिर मेक पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। अभी बिल्डेक्स गेटवे का जो पेज है स्क्रीन में आ रखा है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेगा, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करेगा, यूपीआई से पेमेंट करेगा, डेबिट कार्ड से करेगा, किससे। हमारे को, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है इसलिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन ही है क्रेडिट कार्ड, तो वो सिलेक्टेड है। यहाँ पे अपना कार्ड नंबर लिखेंगे, फिर एक्सपायरी मंथ और ईयर लिखेंगे, और यहाँ पे सीवीवी नंबर लिखेंगे। इसके बाद कार्ड होल्डर्स का नाम लिखेंगे, फिर मेक पेमेंट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अभी हम ये चीज यहाँ पे भर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हम सारे के सारा डिटेल्स भर चुका हूँ। फिर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक, जैसे ही मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे ये हमारे को दूसरा पेज में ले जाएगा जहाँ पे हमारे को ओटीपी डालना होगा। अभी देखिए देखिए आप एसबीआई कार्ड का जो गेटवे है वहां पे आ चुका हूँ। यहाँ पे एक ओटीपी हमारा मोबाइल में जाएगा जो जिससे कार्ड लिंक है उस मोबाइल में, और ओटीपी यहाँ पे डाल लेते हैं। ओटीपी डाल चुका हूँ, फिर सबमिट कर देंगे। अभी हमारा पेमेंट अंडर प्रोसेस है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो चुका है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल और ट्रांजेक्शन स्टेटस भी सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। आपका जो स्टूडेंट आईडी और जो ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अगर भविष्य के लिए चाहिए उसे नोट करके रख सकते हैं। हमें अगर इस रिसिप्ट को प्रिंट करना है तो यहाँ पे एक प्रिंट ऑप्शन दे रखा है, तो प्रिंट ऑप्शन में के ऊपर हम क्लिक कर और हमारा जो लैपटॉप है उसमें हम सेव करेंगे। एक नाम दे देते हैं इस रिसिप्ट का, अभी ये नाम दे के सेव के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। हमारा लैपटॉप में ये सेव हो चुका है। अभी अगर आप रिसिप्ट को देखना चाहते हैं, डेस्कटॉप में मैं देखता हूँ, ये वाला हमारा रिसिप्ट है, इसे ओपन करता हूँ और आप देख सकते हैं ये आपका पास ये मैसेज ये रिसिप्ट आ गया है। आप इसे प्रिंट करके आप स्कूल में जमा कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप केंद्रीय विद्यालय का जो फी है वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होंगे, कैसे आप केंद्रीय विद्यालय का फीस ऑनलाइन पेड कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, इसके बारे में पता चल गया होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।